Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to dear friends, AB Learning Area. Don't forget subscribe our channel AB Learning Area. Dosto, main Abdul Basit aur aaj ke lesson mein hum padhenge mazhab ke mutalliq English alfaz aur isi tarah ke mukhtalif alfaz rozmarah ki zindagi ke hawale se aur bhi bahut sare gusse mein baat karna aur jo hai wo garmi ke mausam ke bare mein bachchon se baat karna Eid ul Adha ke bare mein baat karna aur bhi bahut sare English ke mutalliq seekhne ke liye hamare channel ko visit karte rahein. Aaj jo topic hamari hai ke wo mazhab ke mutalliq English alfaz religion vocabulary hamare paas hai ke mazhab mein kon kon se words use hote hain zyada tar istemal kiye jate hain to uski aaj hum lesson padhenge to chalte hain hum apne topic ki taraf start karte hain. Sabse pehle hamare paas word hai religion mazhab trust aitmad jesus christ hazrat isa ko kehte hain jesus christ aqeedah belief dawa ko english ki kehte hain claim faithfulness ईमानदारी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी फलूस को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशन एतमाद कॉन्फिडेंस ज़मीर कॉन्शंस सादा मिजाज सिंसियरिटी वफादारी इंग्लिश में कहेंगे लॉयल्टी लॉयल्टी अकीदा रखने वाला बिलीवर अकीदा अकीदे को कहते हैं क्रीड और अकीदा रखने वाला क्या था बिलीवर अकीदा रखने वाला और उसके बाद आता है लफ्ज हमारे पास डोगमा उसूल एक उसूल आता है प्रिंसिपल उस उसूल का मतलब और प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के उसूलों किसी इदारे के उसूलों अपनी ज़ात के उसूलों कोई भी उसूल हो सकता है तो उसे कहेंगे प्रिंसिपल लेकिन उसूल जो डोगमा है वो उसूल वो होता है यानी इस्लामी और शरई उसूल अहकामात होते हैं उनको आपको जो है वो एक्सेप्ट करना होता है आंखें बंद करके उसे कहेंगे डोगमा उसूल विलिंगनेस रजामंदी जाए नमाज प्रेयर रग जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं उसको कहते हैं प्रेयर रग बैयत अलेजियंस साबित कदमी इंग्लिश में कहेंगे कमिटमेंट सच्चाई ट्रूथ आगे बढ़ते हैं चर्च ईसाइयों की इबादतगाह ख्वाहिश डिज़ायर नज़रिया नज़रिया को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन एतबार क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी एतबार सुपरस्टिशन तवहम परस्ती ईमान ईमान को कहते हैं उम्मीद होप क्रेडो एतिकाद काबिल एतमाद होना ट्रस्ट वर्थनेस काबिल एतमाद होना एतमाद को कहते हैं ट्रस्ट और जो है वो काबिल एतमाद होना उसको कहेंगे ट्रस्ट वर्थनेस तकद्दस होलीनेस आगे बढ़ते हैं वर्शिप इबादत गुडविल मेहरबानी फिडेलिटी इखलास सेक्ट फिरका पिरिशियंस तरगीब किसकी हौसला अफजाई की जाती है उसे कहते हैं तरगीब पिरिशियंस कन्वेंस कन्वेक्शन सज़ा का हुक्म कॉन्फिशन एतराफ़ कॉन्फिशनल जुर्म का एतराफ़ करना कॉन्फिशंस इकरार एतराफ़ी डेस्टिनी नसीब एफिलेशन ताल्लुक रिलियंस इन्हिसार इरादे को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन उधार क्रेडिट कर्ज डेट बी साइलेंट डेट भी नहीं पढ़ेंगे कर्ज डेट नियत को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंट मसलक कल्ट यकीन क्रेडिनेंस वसीयत टेस्टमेंट गवाह विटनेस और जो है जश्मदीद गवाह उसको इंग्लिश में कहते हैं आई विटनेस गवाह सिर्फ आएगा तो उसके कहेंगे विटनेस आगे चलते हैं फेट मुकद्दर बेसिस बुनियाद टेस्टिमेंट दलील फोकियत प्रेसिडेंस पारसाई डेवोटेंस परहेजगारी पायटी मर्जी विल तस्बीह जिसके ऊपर जिक्र वगैरह किया जाता है पढ़ा जाता है रोसरी तस्बीह मुसलमान मुस्लिम्स ईसाई कैथोलिक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग